आपको शोले फिल्म के वीरू का किरदार तो याद ही होगा कि कैसे वो बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी देता है। एक ऐसा ही मामला एमपी के नसरुल्लागंज के खड़गांव में भी सामने आया है, लेकिन यहाँ वीरू की जगह बसंती अपने बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। यहाँ बसंती यानी सीमा गोस्वामी अपने पैसे नहीं मिलने और पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं करने से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी बसंती। 3 घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। बसंती को उतारने के लिए पुलिस करती रही मिन्नतें। बसंती ने मामा शिवराज से भी लगाई गुहार। जी हाँ, जिस प्रकार शोले फिल्म में वीरू बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी देता है और लोग नीचे खड़े होकर उसे समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक वैसा ही नजारा बुधवार को नसरुल्लागंज के खड़गांव में देखने को मिला। हालांकि यहाँ बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला बसंती नहीं सीमा गोस्वामी है, जो अपने हक के लिए थाने में गुहार लगाती रही, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर यह कदम उठाने को मजबूर हो गई। आपको बता दें कि सीमा गोस्वामी को उनके पिता ने 2 एकड़ जमीन दी थी, जिसे सीमा हर वर्ष किराए पर देती थी। इस साल जमीन को सीमा ने जीजा लक्ष्मणपुरी को किराए पर दिया, लेकिन जीजा ने किराए के पैसे नहीं दिए। इससे परेशान होकर वे बीते 3-4 दिनों से रेहटी थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। महिला के टंकी पर चढ़ने पर पुलिस हरकत में आई और उसकी मान मनुहार में लग गई, लेकिन 3 घंटों तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में एसडीएम शैलेंद्र हिनोतिया मौके पर पहुंचे, तब उनकी समझाइश के बाद वो नीचे उतरी। बाद में पुलिस ने लक्ष्मणपुरी को बुलाकर महिला के पैसे भी दिला दिए। इस मामले में एसडीएम शैलेंद्र हिनोतिया ने कहा कि महिला थाने में आई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से उसने यह कदम उठाया। महिला को उसके पैसे भी दिला दिए गए हैं। उसका कोई भूमि संबंधी विवाद था भाई बहन और इसका माता, तो ये खड़गांव नसरुल्लागंज तहसील का है और वो 2-3 बार आई, वो उसका केस हाईकोर्ट में चल रहा है एक्चुअली, वो अपना हिस्सा लेना चाहते। 2 दिन में थाने में आई, कार्रवाई नहीं, इस कारण उसने ये कदम उठाया। कभी उसको सब्साइड कर दिया है, उसके पैसा दिला दिया, लिखा पढ़ी करा रहे हैं, उसके जो जीजा ने कब्जा करके रखा था उसने लिखते दे रहा है कि मैं कब्जा नहीं कर रहा। पानी की टंकी पर चढ़ी सीमा गोस्वामी ने कहा कि जीजा लक्ष्मणपुरी द्वारा जमीन पर कब्जा जमा लिया गया है और धमकाया जा रहा है। न्याय के लिए थाने, तहसील, गांव के पटेल सहित कई लोगों से गुहार लगाई, पर सुनवाई नहीं हुई। भाई पैसे दो, मेरी 2 एकड़ जमीन का मामला है खड़गांव का। मेरे पिताजी मुझे कन्यादान में 2 एकड़ जमीन आम तरफ से देके गए थे, उस पर लमछनपुरी सरेआम कब्जा जमाए हैं। मैं खेत पे जाती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी देता है ये मेरे जीजाजी लक्ष्मणपुरी, और यही हाक तब होता है, यही खोट से देता है, यही जेब में पैसे रखता है। भैया मैं 4 दिन से परेशान हूँ। कहाँ गई आप? 14 तारीख को खेत पे गई थी मेरे जी। खेत पे जाके देखा गेहूँ बोए थे। इसने सेवराज को कोली से दिया था 1,40,000 में 4 लोगों का हिस्सा,
उसमें वैसे 5 लोगों का है, मेरे बड़े भाई का इनने अलग छोड़ दिया, वो भी नाले तरफ से, क्योंकि उसने इनकी कंप्लेंट डाली थी, ये उनको मारते पीटते थे तो फिर उसने कंप्लेंट डाली तो इन्होंने उनका हिस्सा छोड़ के हम 4 लोगों का हिस्सा कोर्ट से दिया। मैं थाने गई, तहसील गई, गांव में पटेल के यहाँ गई, गांव के चौकीदार को बताया भैया मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं 15 तारीख को आई, 16 को आई और आज भी आई 17 को और 14 को भी आई थी। 4 दिन हो गए मुझे, घर नहीं पहुंची हूँ मैं। ये दोनों बच्चियाँ हैं मेरे साथ, इनको मैं पाल रही हूँ मेरी मेहनत से, और वो जमीन ही मेरा गुजारा है जिंदगी का 2 एकड़। बालक मेरा घर है, वो चटका है, छोटा है, वो इनको लेके आऊँ उसको लेके आऊँ? 3 बच्चे है मेरे, 1 लड़का 2 लड़की। मैं रात भर जहाँ बैठी रही 10 बजे तक, फिर इन्होंने डायल 100 ने मुझे वहाँ छोड़ा मंदिर पे, रुद्रधाम पे। मैंने भाई जैसे तैसे रात गुजारा करा, फिर सुबह डायल 100 आई। इधर सीमा गोस्वामी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी गुहार लगाई। अब आप ही देखिए कि सीमा ने सीएम शिवराज से क्या गुहार लगाई है। सिंह भैया, आप हमारे भाई कहलाते हो, आप कहते हो मेरी बहन भांजियों को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ही के राज में, आप ही के जिले में, विधानसभा, आप ही की तहसील नसुल्लागंज, आपका क्षेत्र विधानसभा सीट बुधनी, मैं देखो ये 2 मेरी छोटी छोटी कन्याएं भांजिया और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। मेरी 2 एकड़ जमीन पे मेरे जियाजी लक्ष्मणपुरी ने कब्जा जमाया। आप बोल रहे थे कोई किसी का हक नहीं छीन सकता, 10 हाथ गड्ढे में गाड़ दूंगा। मैं चिल्ला चिल्ला कह रही, मेरी क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं गड्ढे में गाड़ रहे हो? मेरी कार्रवाई करो, मेरी 2 एकड़ जमीन पे नहीं जाना चाहिए लक्ष्मणपुरी, और मेरी हक दर्शा दो। और इसका केस चल रहा है जबलपुर में, माननीय का जब भी फैसला आएगा मैं उससे सहमत रहूंगा, लेकिन आज की तारीख में मैं मेरी जमीन की हकदार हूँ। तो देखा आपने परेशान महिला ने किस प्रकार सीएम से गुहार लगाई है। बहरहाल देखा जाए तो कई घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद महिला को उसकी जमीन का पैसा मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नसरुल्लागंज।